हेलो दोस्तों, वीडियो में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो हमारी, सीलिंग फैन में कैपेसिटर कैसे लगाएं, उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इस टॉपिक पे है। तो बहुत से भाई अपने ही घर पे ग्रीसिंग या कैपेसिटर बदलते हैं, तो बदलने के चक्कर में भूल जाते हैं कि कैपेसिटर कैसे लगा था, कनेक्शन कैसे थे। तो उसके लिए है आज। तो इसमें हमारे चार वायर निकले हुए हैं, दो रेड हैं, दो ब्लैक हैं। एक पंखे में अलग अलग वायर भी होते हैं। जो हमारा डार्क कलर होगा, मतलब थोड़ा गहरा रंग होगा, वो हमारा इसमें होगा रनिंग में, और जो हल्का रंग होगा वो हमारा स्टार्टिंग में होगा। दो इसमें वायर हमारे स्टार्टिंग के हैं और दो रनिंग के हैं। स्टार्टिंग की कोयल कौन सी होती है हमारी? अंदर वाली, ये वाली हमारी स्टार्टिंग की होती है, और ये वाली हमारी रनिंग की होती है। ये खाली घुमाने का काम करती है, मेन ये चलती है। अगर ये ख़राब हो जाएगा चलेगा जब भी नहीं, पर ये घुमाने के लिए होती है, जो एक कैपेसिटर का झटका लगता है उसके लिए। और आज हम बताएंगे बिना लाइट के, बिना सीरीज के, बिना टेस्ट लैंप के, कि कैसे कैपेसिटर लगाएंगे। ये हमारा कैपेसिटर है, और दो हमारे ये वायर हैं, एक रेड और एक ब्लैक। पहले इन्हें जोड़ लेंगे। ये हमने जोड़ लिया है। अब ये दो वायर हमारे बचे, इसमें हम कैपेसिटर जोड़ देंगे, एक रेड में और एक ब्लैक में। यहाँ पे देखिए, ये एक रेड और एक ब्लैक हमने यहाँ पे जोड़ दिया, और एक रेड और एक ब्लैक में हमने कैपेसिटर जोड़ दिया। अब इसे हम चेक करेंगे इसके चक्कर लाइट से। और जो ये मैंने बताया, इसमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, जोड़ने के बाद खाली हमें चक्कर चेक करने होते हैं। तो यहाँ पे अब चक्कर चेक करेंगे। और ये हमारा मेन हो गया, और हमें इसमें लाल वाले में लाइन देनी है। एक रेड ब्लैक हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये हमारा कॉमन हो गया, और ये जो हमारा रेड है इसमें हमें लाइन देनी है। तो अब दोस्तों, ये हमारा जो पंखा है इस तरीके से घुमा, ये वाला हिस्सा, जब ये इस तरीके से घुमा तो पंखा हमारा ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो हमारे चक्कर उल्टे हो जाएंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, इस वायर को खोल लेंगे कैपेसिटर से, और इस रेड को खोल देंगे इसमें से। जो हमने कैपेसिटर से रेड वायर जो खोला है, उसे हम इस ब्लैक में जोड़ देंगे जो हमने कॉमन बनाया हुआ है, और ये रेड बचा इसे हम कैपेसिटर में जोड़ देंगे। अब इसमें हम लाइन देख देंगे तो इसके हमारे चक्कर सीधे हो जाएंगे। अब ये उल्टा ऐसे घुमा है, तो ये पंखा हमारा, बता, ये हिस्सा हमारा ऊपर की सापट ऐसे घूमी है, तो पंखा हमारा ऐसे घूमेगा, तो हमारे चक्कर सीधे हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अब ब्लैक में दे देंगे तो ये हमारा उल्टे घूमेगा। तो हमारे यहाँ कैपेसिटर हट गया, इसे लगा लेंगे। ये अब हमारा उल्टा घूमा है, अब सीधा घूमेगा। ध्यान रखिए, जो हमारा रेड कलर है उनमें ही हमारी लाइन देनी है। अब इसे एक बार फिर बता देते हैं, ये हमने खोल दिए, ये भी हमने खोल दिए। इसमें चार वायर हैं, दो ब्लैक और दो रेड, एक रेड और एक ब्लैक को हमने इस तरीके से जोड़ दिया। एक रेड और एक ब्लैक बचे, इनमें हमें कैपेसिटर जोड़ना है। ये जोड़ दिया,
कनेक्शन हो गए। इसमें हम टेप लगा देंगे ब्लैक वाले में, और इन दोनों में हम लाइन दे देंगे, एक ब्लैक एक रेड जो लगाया हमने, ये कॉमन हो गया हमारा और ये कॉमन हो गया कैपेसिटर वाला। और जो बचा इसमें टेप लगा देंगे, या इसका जो होल्डर आता है उसमें कनेक्ट कर देंगे। अब वीडियो को यहीं रोकते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।